बात करेंगे बुलेटिन के उत्तराखंड की हर खबर आप तक पहुंचाएंगे। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का लखनऊ दौरे की बात करते हैं। सीएम त्रिवेंद्र सिंह आज उत्तराखंड महोत्सव में शामिल होंगे। त्रिवेंद्र रावत दोपहर 3 बजे अमौसी एयरपोर्ट पहुंचेंगे। लखनऊ के उत्तराखंड भवन में रुकेंगे सीएम त्रिवेंद्र रावत। रात 8 बजे उत्तराखंड महोत्सव में शामिल होंगे सीएम रावत। सोमवार को मुख्यमंत्री रावत यूपी सीएम योगी से मिलेंगे और सुबह 8:25 पर दोनों सीएम की मुलाकात होगी। पांच कालिदास रोड स्थित सीएम आवास में ये मुलाकात होगी। परिसंपत्ति विवाद पर भी चर्चा होगी क्योंकि सबसे अहम यही है, दोनों राज्यों में सरकार बीजेपी की है और ऐसे में पंकज पवार हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं ब्यूरो चीफ। पंकज, उम्मीद यही की जा रही है कि जो सालों से मसला लंबित है परिसंपत्तियों का, वो सुलझ पाएगा क्योंकि दोनों स्टेट में एक ही पार्टी की सरकार है। बिल्कुल, 17 साल राज्य बने हो गए हैं लेकिन यूपी और उत्तराखंड की अभी तक परिसंपत्तियों का बंटवारा ढंग से नहीं हो पाया है। हाल के दिनों में जो 41 नहरें हैं उनको लेकर तो थोड़ा पॉजिटिव रिस्पांस आया है और राज्य को मिलने की वो बात हो चुकी है, मंजूरी हो चुकी है, लेकिन अभी भी कई हजारों करोड़ों की संपत्ति जो है वो उत्तराखंड में ही है लेकिन वो यूपी के अधीन में आती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कल जो बैठक होने जा रही है उसमें मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और अजय भट्ट जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो जा रहे हैं और वो योगी आदित्यनाथ जो यूपी के सीएम हैं उनसे मुलाकात करेंगे, चर्चा होगी। और पॉजिटिव रिस्पांस इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि योगी भी उत्तराखंड के हैं और त्रिवेंद्र उत्तराखंड के सीएम हैं, तो इसलिए ज्यादा कनेक्शन बैठ सकता है और जल्दी इस पर फैसला हो सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं बहुत कुछ अभी भी होना बाकी है क्योंकि हजारों करोड़ रुपए जिस तरीके से पेंशन के भी देने हैं पिछले, उसके भी उसका भी फैसला होना, तो कुल मिलाकर आर्थिक रूप से भी उत्तराखंड और यूपी के जो अगर कल ये फैसला हो जाता है तो काफी कुछ सुलझ जाएगा। पंकज, मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही, तकनीकी तौर पर क्या दिक्कत है दोनों राज्यों में परिसंपत्तियों को लेकर के, जो कुछ मामलों में आगे तो बढ़ते हैं, स्टेप होते हैं, पिछली सरकार में भी कई बैठकें दिल्ली में हुई थी हमने देखा था, इसके बावजूद भी कोई रिजल्ट नहीं निकला। देखिए, उसमें अगर कहा जाए तो असली जो प्रॉब्लम है वो इच्छा शक्ति की है। यूपी देना नहीं चाहता और उत्तराखंड लेना चाहता है और अभी तक की जो सरकारें रही हैं, चाहे बसपा की सरकार रही है या फिर सपा की सरकार रही है, उन्होंने ज्यादा इंटरेस्ट लिया नहीं उत्तराखंड को लेकर क्योंकि उनके हित भी यहाँ पे नहीं थे। अगर कहा जाए सपा उत्तराखंड में कभी सरकार में नहीं रही, बसपा यहाँ पर विपक्ष में ही हमेशा रही और इस बार तो वो भी खत्म हो गई, तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो उनके हित नहीं थे। अब क्योंकि बीजेपी की सरकार दोनों जगह है तो उम्मीद ये जताई जा रही है कि भाई दोनों पार्टी एक ही है, हित दोनों तरफ है, तो दोनों तरफ का कुछ ना कुछ फैसला हो सकता है। और सबसे बड़ी बात है क्योंकि मैं जिस तरीके से कह रहा हूँ पेंशन के पैसे देने हैं, इसके अलावा कहीं और मदों में भी हजारों करोड़ रुपए देने हैं, तो कहीं ना कहीं यूपी हिचकिचा रहा था लेकिन इस बार लगता है कि कुछ ना कुछ बोल्ड फैसला जरूर होगा। शुक्रिया पंकज पवार आपका इस बातचीत के लिए। दरअसल विवाद है क्या, हम आपको बताते हैं, जो संपत्ति विवाद है दोनों राज्यों के बीच में, साल 2000 जब ये नया स्टेट बना इसके आधार पर दोनों राज्यों के बीच पर संपत्तियों का बंटवारा होना है। 266 आवास हैं, 2 गेस्ट हाउस को उत्तराखंड सिंचाई विभाग को सौंपना है, 36 सिंचाई नहरों समेत 214 हेक्टेयर भूमि को भी हस्तांतरित करना पड़ेगा। इसके अलावा उत्तराखंड की 13 जिलों की जिला पंचायतों की जमा राशि पर नहीं मिला है ब्याज अब तक। यूपी औद्योगिक विकास विभाग को देनी है 15 करोड़ से अधिक की धनराशि। यूपी तराई बीच और तराई विकास ने नहीं दिए हैं अभी तक तकरीबन 9 करोड़ और लखनऊ परिवहन मुख्यालय और दिल्ली राज्य अतिथि गृह की परिसंपत्ति का बंटवारा होना है। ऊर्जा जल विद्युत परियोजनाओं की परिसंपत्तियों के बंटवारे के दर्जनों मामले अभी भी लंबित हैं। उधर सीएम योगी से मुलाकात करने के बाद प्रकाश पंत ने राज्यों की परिसंपत्तियों को बंटवारे को लेकर के बताया कि यूपी और उत्तराखंड में एक ही विचारधारा की सरकार, इसलिए दोनों ही प्रदेशों के मुख्य सचिव इस मसले को बैठकर सुलझा लेंगे। प्रकाश पंत से बातचीत की हमारे संवाददाता ने। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री प्रकाश पंत ने आज योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है। कई मायनों में ये मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है। सर, काफी अहम मानी जा रही है जो मुलाकात हुई है, माना जा रहा है कुछ मुद्दों को लेकर बातचीत हुई थी, क्या क्या मुद्दे? देखिए, विशेष तौर पर जो परिसंपत्तियों का हमारा निस्तारण नहीं हो पा रहा है और 20% से लगभग हमारी ऐसी परिसंपत्तियां हैं जो अभी तक विवाद के घेरे में हैं,
जिसमें विशेष तौर पर 37 नहरें जो उत्तराखंड से निकल करके आती हैं गंगा यमुना और शारदा के और उसकी सहायक नदियों से, और उसके साथ साथ हमारे बड़े जलाशय हैं जिसमें शारदा डैम है, भीमगौड़ा डैम है, हरिपुरा जलाशय है और नानक सागर है। तो ये बड़े जलाशय हैं जिनके स्वामित्व का भी प्रश्न है। इसी तरह से जो अन्य परिसंपत्तियों के विवाद हैं वो सभी हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को उसका विवरण प्रस्तुत किया है। शीघ्र ही चीफ सेक्रेटरी लेवल पर बैठक होगी और ये मामले निस्तारित कर लिए जाएंगे। कल त्रिवेंद्र सिंह रावत भी आ रहे हैं, तो क्या इन्हीं मुद्दों को लेकर मुलाकात होनी है? देखिए, विशेष तौर पर माननीय मुख्यमंत्री जी शिष्टाचार भेंट के लिए माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के साथ आ रहे हैं, और एक और बहुत महत्वपूर्ण विषय है जो जमरानी बांध का है, जो 30-35 वर्षों से निर्माणाधीन है लेकिन अभी तक उसके स्वीकृति नहीं प्राप्त हो पाई। उस जमरानी बांध में 57% से अधिक जो कृषि एरिया है जिसमें 47,000 हेक्टेयर भूमि है वो उत्तर प्रदेश को उसका लाभ होना है, हमको 43% लाभ होना है, और लेकिन निर्माण की लागत में केवल मात्र उत्तर प्रदेश इसको 25% ही व्यय करना है, 75% व्यय भारत सरकार और उत्तराखंड सरकार करेगी। यह भी एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है जिस पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने काफी इनिशिएटिव लेने की बात कही है और हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही यह योजना भी थ्रो हो जाएगी। धन्यवाद सर। तो कल त्रिवेंद्र सिंह रावत भी यहाँ पहुंचने वाले हैं और काफी अहम मीटिंग मानी जा रही है। हालांकि उससे पहले आज प्रकाश पंत की मुलाकात हुई है सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ, और माना जा रहा है कि जो जिस बांध को लेकर विवाद है उस बांध को लेकर भी यहाँ पर बातचीत हुई है। साथ ही साथ तमाम ऐसे मुद्दे थे जिन मुद्दों पर प्रकाश पंत ने योगी आदित्यनाथ से बातचीत की। कैमरामैन मिन्हाज के साथ अविनाश सिंह, समाचार प्लस, लखनऊ। बढ़ते आगे, सुप्रीम कोर्ट के शराब को लेकर फैसले के बाद से उत्तराखंड में हड़कंप बचा हुआ है। सरकार जहां अपने राजस्व को लेकर चिंतित रही, वहीं प्रदेश की महिलाएं शराब की दुकानों के मोहल्लों में पहुंचने से नाराज हैं, और ऐसे में सरकार ने नेशनल हाईवे को स्टेट हाईवे बनाने का फैसला तो लिया, लेकिन इसके बाद चर्चा चलनी शुरू हो गई कि सरकार का फैसला सही है या गलत। सरकार का फैसला, कितनी सहमत जनता। 64 नेशनल हाईवे स्टेट हाईवे घोषित। आबकारी से राज्य को सबसे अधिक मिलता है राजस्व। सरकार के फैसले से खड़े हो रहे कई सवाल। टोटल स्टेट में 64 राज्य मार्ग हैं नोटिफाइड स्टेट हाईवे। ये विभिन्न नगरीय क्षेत्रों से गुजरते हैं, करीब 63 नगरीय क्षेत्र में आते हैं, नगर निगम, जिला, नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत, तो उनके जो सीमा के अंतर्गत जो हिस्सा आएगा इन स्टेट हाईवेज का, अब वो स्टेट हाईवे नहीं कहलाएंगे, उनका वर्गीकरण बदल दिया गया है, अब वो अदर डिस्ट्रिक्ट रोड कहलाएंगे। जी हाँ, ठीक सुना आपने, राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों की जद में आ रही शराब की 402 दुकानों में से अब 155 दुकानों पर से शिफ्टिंग का पेच हट गया है। दरअसल राज्य कैबिनेट की बैठक में विभिन्न नगर निकायों की सीमा के 64 राज्य राजमार्गों को अन्य जिला मार्ग घोषित कर दिया है। हालांकि इसके बाद भी राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थित 247 शराब की दुकानें शिफ्टिंग की जद में आ रही हैं। आपको बता दें कि राजस्व की दृष्टि से शराब की दुकानों को बचाने में जुटी सरकार की कवायद से राज्य राजमार्गों की लगभग सभी दुकानों को शिफ्टिंग से महफूज कर लिया गया है। साफ है, देश में आबकारी से राज्य को सबसे ज्यादा राजस्व प्राप्त होता है, इसलिए सरकार ने फैसला लेने में जरा भी देर नहीं दिखाई। लेकिन सरकार के इस फैसले पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सरकार पर आरोप लग रहा है कि सरकार ने शराब कारोबारियों को फायदा पहुंचाने के लिए ये फैसले लिए हैं, और सरकार को केवल राजस्व की चिंता है, जनता की नहीं। लेकिन इस सिक्के का दूसरा पहलू ये है कि जब से सुप्रीम कोर्ट ने हाईवे से 500 मीटर तक शराब की दुकान न खोलने का आदेश दिया है, तब से ही राज्य में शराब विरोधी आंदोलन शुरू हो गया है, जिससे सरकार को स्टेट हाईवे को जिला हाईवे घोषित करने को मजबूर होना पड़ा। साफ है, इसके चलते शराब की 155 दुकानें मोहल्लों में तो नहीं खुलेंगी। हालांकि मुख्यमंत्री का कहना है कि हमारा अधिकार था, हमने उसका उपयोग किया। हमने भी जो निर्णय लिया है वो हमने टेक्निकल जो कारण है, क्योंकि उसमें नेशनल हाईवेज है, स्टेट हाईवेज है, और जो अधिकार हमारा है हमने उसका उपयोग किया है। बाकी न्यायालय की जो भावना है उसको आघात पहुंचाने का हमारा कोई मकसद नहीं है, माननीय न्यायालय का सम्मान करते हैं। साफ है, सरकार के इस फैसले से जहां 155 दुकानों को राहत मिली है तो वहीं 155 मोहल्लों को भी राहत मिली होगी। बड़ी समस्या है कि ये शराबखाना ऊपर रेजिडेंशियल एरिया, सबकी जवान लड़कियां बेटियां, तो ये सब चीज बर्दाश्त के बाहर है।
तो ये नहीं खुलना चाहिए नशा की चीजें, ये शराब का खाना, नशा मुक्त केंद्र, ये सब कुछ ये नहीं होना चाहिए। वहीं विपक्ष सरकार के इस फैसले पर उन्हें घेरने की कोशिश में जुटा है। जहां एक तरफ पूरी उत्तराखंड की महिलाएं सड़कों पर हैं कि शराबबंदी हो, और जो महिलाएं इस राज्य की सबसे पहले आंदोलनकारी हैं, जिन्होंने इस राज्य की प्राप्ति के लिए अपना मान सम्मान तक भी गिरवी रख दिया, ऐसी समय पर उत्तराखंड की सरकार, त्रिवेंद्र रावत जी की सरकार उन शराब माफियों के हितों की चिंता कर रही है। एक तरफ महिलाएं शराब की दुकानों को लेकर आंदोलन पर उतर आई हैं, साथ ही सरकार के सामने राज्य को मिलने वाले बढ़े राजस्व का लालच। अब सरकार का ये फैसला जनता कैसे लेती है देखना होगा। राज्य राजमार्गों को सरकार ने डीनोटिफाई करके जिला मार्ग बनाने का फैसला क्या लिया, विपक्ष सरकार पर आग बबूला हो रहा है और साफ कह रहा है कि शराब कारोबारियों को फायदा पहुंचाने की सरकार की मंशा है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू ये भी है कि सरकार ने फैसला लेकर लगभग 155 दुकानों को मोहल्लों में शिफ्ट होने से रोक लिया है। हालांकि अभी भी राजमार्गों पर आने वाली 250 दुकानें इस जद में हैं और उन्हें भी मोहल्लों में शिफ्ट किया जा सकता है, जिसका विरोध महिलाएं लगातार कर रही हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि सरकार आने वाले दिनों में क्या फैसला लेती है। कैमरामैन पवन के साथ पंकज पवार, देहरादून समाचार प्लस। बद्री केदार मंदिर समिति को भंग करने के राज्य सरकार के फैसले पर हाईकोर्ट ने रोक लगाई है, जिसके बाद सरकार के फैसले पर सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि सरकार इन समितियों को भंग करने के पीछे तर्क में चारधाम की व्यवस्थाओं के चाक चौबंद नहीं होने की बात कह रही है, लेकिन हाईकोर्ट के फैसले ने सरकार के हाथ रोक दिए हैं। प्रदेश के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज कोर्ट के आदेश और फैसला आने का इंतजार करने की बात कर रहे हैं। इसमें अभी जो मंदिर समिति का मामला चल रहा है वो कोर्ट के अंदर चल रहा है और हम कोर्ट के निर्णय की प्रतीक्षा कर रहे हैं, और क्योंकि मामला कोर्ट में है तो मेरा कुछ कहना उचित नहीं होगा। और उधर राज्य में नई सरकार बनने के बाद लोगों में उम्मीद जगी है कि अधिकारियों पर अब नकेल कसी जाएगी और उनके लिए बनने वाली योजनाएं धरातल पर भी दिखाई देंगी। हालांकि समाज कल्याण मंत्री यशपाल आर्य अधिकारियों के पेंच कस रहे हैं, लेकिन अधिकारी हैं जो पुरानी व्यवस्थाओं से अभी तक बाहर नहीं निकल पाए हैं। दरअसल अल्पसंख्यक बाहुल्य इलाकों के लिए केंद्र से MSDP के तहत मिलने वाले बजट को लेकर अभी तक प्रस्ताव भी तैयार नहीं किए गए, जिससे क्षेत्रों में योजनाओं का लाभ पहुंच सके। अब विभागीय मंत्री ने अधिकारियों को चेतावनी दी है कि जल्दी प्रस्ताव बनाकर नहीं भेजे तो कड़ी कार्रवाई के लिए तैयार। जो हमारे MSDP की योजनाएं हैं, जो भारत सरकार जिसमें धनराशि राज्य को देती है अल्पसंख्यक क्षेत्रों के विकास के लिए, सर्वांगीण विकास के लिए, उसके लिए भी हमने कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रस्ताव तत्काल भेजें, जिससे कि उन प्रस्तावों को भारत सरकार को भेजा जा सके और उसमें धनराशि हमें सुलभ हो सके, इसके लिए भी निर्देश दिए गए हैं। उत्तराखंड में वनाग्नि साल दर साल भयानक आपदा का रूप लेती जा रही है। हर साल हजारों हेक्टेयर जंगल आग की चपेट में आकर राख हो रहा है और इस आपदा से निपटने का जिम्मा एक ऐसे विभाग के कंधों पर है जो अब बूढ़ा हो चुका है। फायर सीजन के शुरुआत से ही उत्तराखंड के जंगलों में आग लगने का सिलसिला शुरू हो गया है। आपको बता दें कि इस साल में अब तक उत्तराखंड के जंगलों में आग लगने के 100 से अधिक मामले सामने आ चुके हैं। अकेले अप्रैल महीने के शुरुआती 3 दिनों में आग लगने की 48 घटनाएं हो चुकी हैं। एज काफ़ी ज़्यादा हो गई है। आप यदि स्टडी करें इसको तो आप देखेंगे कि फ्रंट लाइन स्टाफ हमारा मोर और लेस एज उनकी 50 साल के करीब है। तो इसका एक सोल्यूशन इससे भी हो सकता है कि हमारी जो खाली पोस्ट हैं वो भरी जाएं, यंग ब्लड डिपार्टमेंट में आए जो एनर्जेटिकली अपने एरिया को कॉम्ब अराउंड कर सके, घूम सके। आग लगना और कई किलोमीटर पैदल चलकर आग पर काबू पाना, ये दबाव वनकर्मी पर हमेशा बना रहता है। इसके लिए शारीरिक रूप से सक्षम होना बेहद जरूरी है और उत्तराखंड में आग किसी जंग से कम नहीं है और कोई भी जंग बूढ़ी सेना के साथ तो कम से कम नहीं जीती जा सकती। कैमरामैन अनूप के साथ हेमभट्ट, समाचार प्लस, देहरादून।
उधर हल्द्वानी में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी को लेकर उठ रही आवाज को देखते हुए प्रशासन, अभिभावक और स्कूल प्रबंधकों की बैठक हंगामेदार रही। प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में करीब दो घंटे के लिए बैठक में जमकर हंगामा हुआ और बैठक का कोई नतीजा नहीं निकल पाया। आपको बता दें कि नैनीताल जिले में निजी स्कूलों की मनमानी को लेकर अभिभावक अब लामबंद हो गए हैं। अभिभावक और स्कूल प्रबंधकों की बैठक में फीस बढ़ोतरी, स्कूल यूनिफॉर्म, किताबों और स्टेशनरी में कमीशन और CBSE के मानकों की अनदेखी का मुद्दा प्रमुखता से उठाया गया। अभिभावकों ने आरोप लगाया कि स्कूलों ने 20 से 50 फीसदी और कहीं उससे भी अधिक फीस बढ़ा दी। जो अभिभावक हैं, जो विद्यार्थी हैं और जो शहरवासी हैं, उनकी चिंता के लिए रखने के लिए बैठक बुलाई गई थी और उनको ये बताया गया है कि यदि किसी भी अभिभावक को किसी भी स्कूल से कोई भी शिकायत है किसी प्रकार की, तो हमारे पास लिखित शिकायत करें, प्रशासन उसका संज्ञान लेगा, उसकी जांच करेगा और उनके विरुद्ध नियमानुसार कड़ी कार्यवाही करेगा। वहीं पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने बागेश्वर से 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बैजनाथ मंदिर के पास साल 2006 में बैजनाथ गोमती नदी में झील का निर्माण काम शुरू कराया था, जो करीब 10 साल बाद बनकर तैयार हुआ, लेकिन सौंदर्यीकरण और पर्यटन सुविधाओं का काम अब तक पूरा नहीं किया गया है, जिससे आने वाले सैलानी इस झील का भरपूर लाभ नहीं ले पा रहे हैं और यहाँ के बेरोजगार युवा अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। आपको बता दें कि झील बनने के बाद यहाँ के बेरोजगार युवकों को काफ़ी उम्मीदें थीं कि झील से पर्यटन के साथ साथ स्थानीय युवाओं को भी सीधा लाभ मिलेगा, जो इस वक्त दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आ रहा। चंपावत जिले में सड़कों की बदहाली की वजह से पर्यटन विभाग को लगातार नुकसान हो रहा है। लोग चंपावत की तरफ रुख करने से कतरा रहे हैं। उसका कारण यहां की बदहाल सड़कें हैं, होटलों में अच्छी व्यवस्थाओं का ना होना, खराब सड़कों की वजह से यहां लगातार सड़क हादसे भी हो रहे हैं। पिछले 3 महीनों में यहां 11 लोग सड़क हादसों के शिकार हो चुके हैं। जिले में ऐसे बहुत से धार्मिक और ऐतिहासिक पर्यटन स्थल हैं जो सड़कों की बदहाली की वजह से मानचित्र तक नहीं आ पाए। ऐसे हालात में पर्यटन विभाग को प्रचंड बहुमत से आई BJP सरकार से बहुत सारी उम्मीदें हैं। खराब सड़कों की वजह से पर्यटन पर खासा असर हुआ है और लगातार जो सड़क हादसे हुए हैं उनकी तादाद बढ़ी है। इसको लेकर के लोग कतरा भी रहे हैं। सड़कों का रखरखाव ठीक से नहीं हुआ और ऐसे में चाहे होटल की व्यवस्था देखें वो भी अच्छी नहीं है। इस वजह से जो सैलानी हैं वो बहुत कम तादाद में चंपावत पहुँचते हैं और पिछले 3 महीने में अगर हम आंकड़ा देखें तो 11 से भी ज़्यादा सड़क हादसे हो चुके हैं और ऐसे में बेरुखी सैलानियों की है और बेरुखी प्रशासनिक अधिकारियों की भी है कि क्यों नहीं तमाम ऐसे पर्यटन स्थल हैं जिन्हें मानचित्र पर लाया जाता है, क्यों नहीं सड़कों की हालत दुरुस्त की जाती है, क्यों नहीं होटलों की में व्यवस्थाएं दुरुस्त की जाती हैं। हालांकि इसको लेकर के वादे हमेशा हुए, प्रशासनिक अधिकारी बात करते रहे लेकिन हुआ कुछ नहीं। पर्यटन की तो बहुत काफी अपार संभावनाएं हैं। यहाँ पर सबसे मुख्य स्थिति तो यह है कि रोडों का ठीक किस्म की व्यवस्था ना होना, पर्यटकों के लिए परेशानी होनी, तो इससे पर्यटक आने से कतराते हैं। हमारा अभी चंपावत के जो डेस्टिनेशन है, रोड एक्सेस हमारा काफ़ी दूर हो गया है। रोड सही हो, जैसे रेल है, रेल रोड पर लिंक होने जा रहा है, जैसे टनकपुर तक रोड ब्रिज बनने जा रहा है और वहाँ से टनकपुर से चंपावत तक चौड़ीकरण का जैसे फोर लेन बनना है, तो उसके बाद निश्चित रूप से पर्यटन को बढ़ावा तो मिलेगा ही। उधर खटीवा के टनकपुर गांव में एक तेंदुए के घुसने से पूरे गांव में हड़कंप मच गया, जिसके बाद सूचना मिलने पर रामनगर और हल्द्वानी से पहुंची वन विभाग की टीम ने आधी रात तक रेस्क्यू अभियान चलाया। फिलहाल तेंदुआ पकड़ में नहीं आया है, बताया जा रहा है कि वापस जंगल में ही चला गया है। हालांकि तेंदुए के आने की खबर से गांव में दहशत का माहौल जरूर है। बताया जा रहा है कि पिछले दिनों टाइगर ने एक महिला पर हमला किया था जिसके बाद उसकी मौत हो गई थी। ये आधी रात तक जो रेस्क्यू ऑपरेशन चला टनकपुर में, तेंदुए से दहशत है, तस्वीरें भी लोगों ने देखी, घरों की छत पर लोग रात रात भर मौजूद रहे। ये देखिए तस्वीरें दिन की हैं, इस डर से कि तेंदुआ उन पर हमला ना कर दे। पिछले दिनों भी इस तरीके का हमला हुआ था जिसमें एक महिला की मौत हुई थी। आधी रात तक रेस्क्यू ऑपरेशन चला लेकिन तेंदुआ पकड़ में नहीं आया और कहा जा रहा है कि वापस जंगल की तरफ चला गया। मौसम में बदलाव के कारण बागेश्वर जिला अस्पताल में इन दिनों मरीजों का तांता लगा हुआ है, लेकिन सुविधाओं, संसाधनों और स्टाफ की कमी के कारण बागेश्वर जिला अस्पताल मात्र रेफर सेंटर की भूमिका लंबे समय से निभाता आ रहा है। अस्पताल में अत्याधुनिक मशीनें और स्टाफ का टोटा लंबे समय से बना है। इस अस्पताल के लिए यहाँ के BJP विधायक चंदन राम दास भी अपने पिछले
10 साल के कार्यकाल में कुछ भी नहीं कर पाए, जिस कारण यहां आने वाले मरीजों और उनके तीमारदारों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जिला अस्पताल में आने वाले मरीज अपना इलाज कराने के लिए जिले से बाहर जाने को विवश है। यहाँ डॉक्टरों की मूलभूत सुविधाएं नहीं है और यहाँ एक ट्रामा सेंटर बनाया जाए और यहाँ पर काफ़ी दिक्कतें हैं। हॉस्पिटल की हालत बहुत बदतर है। यहाँ पर जो भी यहाँ मरीज आते हैं यहाँ से बाहर रेफर कर देते हैं और ये खाली एक रेफर सेंटर बन गया है जिला अस्पताल। वर्तमान में जिला चिकित्सालय बागेश्वर में 3-4 पद छोड़ करके सभी पद भरे हुए हैं डॉक्टरों के। जो पद रिक्त है उसमें एक कार्डियोलॉजिस्ट का रिक्त है, एक ENT सर्जन का है,